सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। अच्छा आप देखना, सात कांडों में पांचवा कांड है सुंदरकांड। पर सुंदरकांड सुंदर क्यों है ये बड़ा विषय है। इसका नाम सुंदरकांड क्यों है? हनुमान कांड रख देते, बालाजी कांड रख देते, पर सुंदर कांड ही क्यों रखा? सुंदर क्यों है इसका जरा विश्लेषण सुनो। आहा, सुंदर कांड इसलिए सुंदर है ता हनुमान जी को लगता है। मतलब जिसकी जिंदगी में उसे पता लग जाए कि यही भक्ति है, उसी का जीवन सुंदर हो जाता है। हनुमान जी को पता लगा, माता जानकी जी मिल गई। अच्छा लेकिन मिली कहां? लंका में। कितनी गजब की बात है कि लंका में भक्ति मिली, भारत में राम, जानकी जी मिली लंका में, हनुमान जी को भक्ति मिली लंका में, भगवान मिले भारत में। मानो गजब की बात यह है कि भक्ति हमेशा संघर्ष करके ही प्राप्त होती है, इसलिए इतने झंझटों को झेलकर हनुमान जी ने जानकी माता का पता लगाया। उसी मिलन के कारण इस कांड का नाम सुंदर कांड हो गया। एक बात और, सुंदर कांड सुंदर क्यों रखा? दूसरा कारण, कथा कहां सुनाई? लंका में। लंका में कहां? अशोक वाटिका में। तो सुनने वाला कौन था? रावण तो रहा नहीं होगा, क्योंकि राक्षस अगर कथा सुनने लगे। एक आदमी हमें मिला, बोले गुरुजी आपके कथा में हमारे पूरे गांव के लोग आते, बस दो लोग नहीं आते। हमने कहा अगर रावण और कुंभकर्ण दोनों आ जाएंगे तो फिर कथा का महत्व नहीं घट जाएगा। कथा में राम जी वाले ही आते, रावण वाले नहीं आते। बोलो लव महु रहा लोकाई,